वैगन वाला। अच्छा वैगन वाला, ये वाला तो वैगन वाली आ गया है। सो फाइनली वी रीच द मामाया स्पॉट, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं आज। एंड वहाँ बेबी लूथरा सर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये देखो हमारे गवर्नमेंट हाउस से बेबी लूथरा सर, जो कि सुबह सुबह 5:30 बजे उठ गए हैं क्योंकि उनको कार्स देखने और बाइक सीखने। हाँ मम्मी बैठी है, ये दी मम्मी। काका हम क्या देखने जा रहे हैं आज? सब कुछ ही देखना बेबी ने। सो अभी स्पॉट पे हूँ मैं एंड यहाँ पे आपको लाइनअप दिखाता हूँ, काफी लंबा लाइनअप है। एंड सुबह का रूट काफ़ी बढ़िया था लेकिन बीच में ना कई सारे डाइवर्जेंस है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बट चलो कोई बात नहीं। एंड चलो बाहर जाते हैं बेबी लूथरा सर, चलो आओ चक्कर काट करेंगे। रेड एंड ब्लैक कलर का अबाज पुंटो, कैसा लगा? अच्छा लगा बेबी को? आओ आपको थार दिखाऊं। हाँ ये वाला नहीं मारता, लेकिन ये वाला फास्ट चलता है। देखो थार आ गया, थार आ गया भाई। काका कैसा लग रहा है? कार्स के बीच में आज तो बेबी का बच्चा आगे खत्म हो गई कार, सभी इधर वापस जाएंगे। आपके मदर बोलो, ट्रैक में लगा आ गया दे। बेबी लूथरा सर को मैंने कार्स वार्स दिखा के, पटाखे पुटूटे दिखा के वापस से लीनिया में रिंकी मैम के साथ में रख दिया है, बिठा दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना लाउड एनवायरनमेंट है तो वो थोड़ा सा डर गए थे। सो अब दूसरी साइड में जा रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको लाइनअप दिखाता हूँ बहुत ही सही तरीके से। एंड इतनी सारी कार्स थी कि भैया आप भी सोचोगे कि यार इतना बड़ा मीटअप था एंड हर टाइप की कार यहाँ पे अवेलेबल थी। ऐसी कोई कार नहीं होगी जो अवेलेबल नहीं होगी। सुपर कार्स नहीं दिखी बस इस बार यहाँ पर, इस जगह पे तो नहीं, जेवर में जहाँ जाएंगे वहाँ पे दिखने के चांसेस हमेशा ही होते हैं, बट आज शायद वो भी नहीं दिखाई दी थी। तो यहाँ पे लाइनअप मैं आपको आराम से दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग जेवर के लिए निकलने वाले हैं सारे के सारे। कोशिश तो यही रहने वाली है कि एक फॉर्मेशन में निकलें, एक स्मूथनेस से जो होते हैं ना लाइनअप बना के वैसे निकलें, बट इतनी सारी कार्स हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भैया पता नहीं। तो अभी आप लोग एंजॉय करो एंड मैं जरा कार्स देखता हूं। लाइफ में गए जितनी सारी कार मीट्स में मैं आ चुका हूँ, लेकिन आज का जो लाइनअप है ना वो नंबर्स में भी एंड क्वालिटी ऑफ कार्स के अंदर भी बहुत ज्यादा है। एंड अपनी आवाज निकल आई है बाहर, ये रही हूँ। Off we go to the highway masala thing, जेवर पे, क्योंकि main meetup वहीं पर ही है। And baby लूथरा सर ने तो काफ़ी मजे किए हैं, मजे तो करके आए हैं सर, लेकिन इनकी पटाखे वाले कार से हालत ख़राब हो गई, मतलब जो एग्जॉस्ट में से बार बार होता ना पट पट पट। वैसे रोज़ मुझे कहेंगे सर कि लगाओ टीवी पे लगाओ, पर आज इनकी हालत ख़राब हो गई रियलिटी में देख के। सर ऐसे थोड़ी करना था यार, ओहो काफ़ी डार्क हो रहा है अभी। ट्यूनिंग और एग्जॉस्ट दो चीज़ें।
बहुत कुछ, मेरे पास शायद आपको कमी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे पटाखे ही बजी जा रहे हैं। सीरियसली वन ऑफ द बेस्टेस्ट कार मीट्स एवर, इतना रकस मचा हुआ ना यहाँ पर, क्या ही बताऊँ आपको। एंड दैट इज द फन ऑफ इट, सीरियसली गुड मैन। समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या। अब बेबी लूथरा सर क्यों डर गई है? बेबी वैसे तो मुझे सारा दिन टीवी पे सर बोलते रहते हैं कि जो पटाखे वाली गाड़ी है ना, जो एग्जॉस्ट में से ठा ठा आवाज़ आती है, वो मुझे वीडियो दिखा दो पुंटो का, अबार पुंटो यहाँ अबार 500 का मैंने कई बार दिखाया। ही एंजॉयज इट, ही सुपर डुपर एंजॉयज इट। बट आज सर को जब रियलिटी में दिखाया ना, तो सर की हालत ख़राब हो गई है। सर बताओ आप क्यों डर गए हो? आप बाइक्स भी नहीं देख रहे जबकि आपकी फेवरेट हैं, और आप कार भी नहीं देख रहे हो, क्या हो गया? देखो आवाज आ रही है, क्या हुआ बेबी को? क्यों होगी पता नहीं, बेबी कह रहा है कि उसे हुई होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हुई होगी, हुई करी जा रहे हैं सर। रियली आई हैव नो आइडिया व्हाई ही इज डूइंग दैट। उसे काम करते हैं, बेबी को कुछ खिलाते हैं, फिर यहाँ पे झूला झुलाते हैं। तब तक मैं भी मीनवाइल और फन करता हूँ यहाँ पे। फन तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा भाई, अभी पोलो का कॉम्पिटिशन बढ़िया था, ठा 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 पटाखे होगा। एंड आई थिंक मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सन है एंड सेटिंग्स एडजस्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना गाइस, अभी नया नया हूँ मैं इसके साथ। मिल गए अब आप हैप्पी हो? अब किराए तो नहीं करोगे? कैसे लेट गए? अपनी कार सीट पे आ, मैं सीधी कर देता हूँ। चल कार सीट पे आ जा, आ जा रसगुल्ले। आ गया इंजन तो करा है बेबी अभी से। अच्छा अभी पटाखे से तो डर नहीं लग रहा बेबी को? वहाँ पे जब दिखा दे तब तो बेबी की जान निकली हुई थी। सामने से ही देखना ना, कार के अंदर तो देखना है। ये बेबी के बच्चे ने ना अपने आप ही अपनी शर्ट उतार दी है, देखो जरा इसका हाल, देखो देखो इस नंगू के बच्चे को। काका तू बहुत बिगड़ गया यार, बहुत हेल्दी बन के ऐसे दिखा दो, मसल्स दिखाओ अपने मसल्स, दोनों हैंड से ऐसे कर दो, ऐसे लॉयन बेबी बन गया सर, खतरनाक कैटेगरी का टाइगर इज। सर बहुत मजे कर रहे हैं आज, कुछ ज्यादा ही दिख ही रहे भाई साहब जी को तो ओवर ही मजा आ रहा है। देखो हाल क्या कर लिया इन्होंने अपना, देखो जरा देखो काका, ये नहीं उतारना था, बिल्कुल नहीं उतारना था ये। पिंकी को पीछे जाना पड़ा है बिकॉज ये ऐसी हरकतें कर रहा है। Alright, so covered up 175 kilometers. Let's see mileage. 12.9 even after driving this baby for 180 kilometers an hour.